जी नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल इस समय खनवर गांव में हूं। आप देख सकते हैं विकास का यहां एक तस्वीर। खासतौर पे हम इस समय खाकीराम बाबा के पास हैं, आस्था का केंद्र या जगह जहां लोग जिले के हर कोने से आते हैं और भक्ति के रस में एक जरूर यहां पे अपनी मनोकामना जो है अपने स्तर से ईश्वर के सामने रखते हैं और पूरी भी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये वो गाँव है खनवर गाँव, जहाँ के क्षेत्रीय विधायक उमा शंकर सिंह हैं और उनके गांव का ये जो आप देख रहे हैं खाकीराम बाबा का, पहले यहाँ जो विकास था वो बिल्कुल शून्य था, लेकिन उनके प्रयास से जो यहाँ काम हुआ है बहुत ही सुंदर हुआ है। जो खास तौर पे अन्य जगहों से जो लोग आते हैं, वैसे बलिया से भी आसपास के जो ज़िले हैं गाजीपुर मऊ देवरिया वगैरह से भी लोग यहाँ आते हैं और एक बार जरूर खाकीराम बाबा जी का दर्शन करते हैं। दर्शन के साथ जो यहाँ चारों तरफ जो आप देख रहे हैं फुलवारी पोखरा और भी चीज़ें यहाँ जो देख रहे हैं उसका नज़ारा लेते हैं लोग। तो दोस्तों, बलिया जिले का जो खनवर गांव है, खासतौर पर खाकी बाबा का जो आश्रम है, जो मंदिर है, जो विशाल मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर में दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एक अवसर होता है, चाहे नवरात्र हो, चाहे सावन हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर्व पर यहाँ जरूर आते हैं और बाबा के यहाँ मत्था टेकते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी आइए, यहाँ दिल से आइए और बाबा के चरण में आइए और इस मंदिर में मत्था टेकिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये बलिया से नगरा रूट पर है खनवर गांव। बलिया और नगरा के बीच में, यानी जब नगरा से करीब 3-2 किलोमीटर पहले ही है। तो आप यहाँ जब आएंगे खनवर गांव में तो आपको चारों तरफ जो है ऐसा माहौल दिखेगा, ऐसा विकास दिखेगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि इस छोटे से गाँव में इतना बड़ा इमारत और इतनी बड़ी विशाल मंदिर है। तो आइए हम चलते हैं उस जगह पे, जिस जगह पे आपको सुंदर सा पोखरा दिखाई देगा और खास खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। वहाँ पे दूर दराज से लोग आए हुए हैं, हम आपको वहाँ ले चलते हैं। जी, हम खाकी बाबा की बात कर रहे थे। ये आप चारों तरफ जो दृश्य देख रहे हैं, मंदिर वगैरह देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। इसका रंग रोपण और यहाँ का जो साफ सफाई आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलिंग, पोखरे वगैरह सब, यहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर हैं, दुर्गा जी का है, गणेश भगवान जी का, पार्वती जी का है और शंकर जी का है। छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे जो है आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आप पीपल का वृक्ष देखिए, काफ़ी पुराना प्राचीन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सजावट, किस तरह से यहाँ विकास आपको दिख रहा है। तो फिर हम आपको कहना चाहते हैं कि ये वो क्षेत्र है जो क्षेत्रीय विधायक उमा शंकर सिंह के गाँव का है। इस गाँव में खाकी बाबा का मंदिर प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में तमाम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और ये गाँव काफ़ी खुशहाल गाँव है। ये वही गाँव है जहाँ फिल्मी दुनिया के भी लोग आते हैं। एक समय था, आज भी लोग विधायक से मिलने आते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बड़े नेता हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे कोई भी हो, इस गांव में आता है तो पहले विधायक से मिलने से पहले इस मंदिर में जरूर आता है, क्योंकि मंदिर का जो स्वरूप है खाकी बाबा का, उस स्वरूप को देखता है और मंदिर में मत्था टेकता है। तो आइए हम चलते हैं उस जगह पर, जिस जगह पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर पे जो खनवर गांव है, जो आप देख रहे हैं सुंदर, अभी तो आपने खाकी बाबा का मंदिर देखा, काफ़ी पसंद आया आपको। फिर इसके बाद हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां कभी छठ पूजा का अवसर हो या 31 हो या 1 जनवरी हो, ऐसे जगहों पे जो भीड़ देखते हैं वो बलिया शहर के भी लोग आते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं इस जगह को। चर्चा में है ये जगह, वाकई इसलिए चर्चा के क्षेत्रीय विधायक ने जो ये काम किया है, हमें लगता है कि खास तमाम लोग इस तरह के काम करते, अपने गांव को इस तरह सुंदरता की तरफ ले जाते, गांव में विकास की गंगा बहाते, तो हमें लगता है गांव का स्वरूप और ही अच्छा होता। जिस तरीके से इन्होंने खनवर गांव को सजाया है, सवारा है, खूबसूरत बनाया है विधायक ने, उस तरह से खास से सातों विधानसभा में अगर प्रयास होता, हुआ भी होगा, लेकिन अगर और बेहतर होता तो खास तौर पर इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता। तो मैं खनवर गाँव में हूँ और इस जगह पर हूँ, आप देख सकते हैं सब सारी चीज़ें सीमेंटेड है, कितनी खूबसूरत बनी है, कितने दिमाग से, अकल से और कुशल कारीगरों द्वारा इसको बनाया गया है। आप जो सामने देख रहे हैं वो राधा कृष्ण जी की प्रतिमा लगी हुई मूर्ति, खूबसूरत है नज़ारा। देखिए हम इस समय पानी में हैं, लेकिन जो ये बनाया गया संपर्क मार्ग उस मंदिर तक जाने के लिए, ताकि लोग यहाँ से जाएँ और दर्शन करें और इसका नज़ारा लें। शाम के वक्त में यहाँ तो ऐसी भीड़ लगती है, बैठने की व्यवस्था है, पौधे हैं, हरियाली है, शाम को वक्त जब लाइट वगैरह जलती है तो और ही खूबसूरत यह लगता है। ये जगह खनवर गांव का, ये जो आप प्राचीन चीज़ देख रहे हैं, मंदिर के सामने ये पोखरा, खूबसूरत नज़ारा,
खूबसूरत जगह देखिए, स्ट्रीट लाइट भी वगैरह सारी लगी हुई है। ये आप सारा कुछ आप जो देख रहे हैं सीमेंटेड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। जो एक बार इस गांव में आता है वो प्रदेश के हर जनपदों में इसकी चर्चा करता है। मैं भी चर्चा करता हूं, इसलिए कि बलिया में हूं और खासतौर इस गांव में हूं, इसलिए इसको बता रहा हूं आपको कि आप भी आए, पूरे परिवार से आता है, इस जगह का आनंद उठाए। वाकई मैं कहता हूं बहुत ही खूबसूरत जगह है, लोग बहुत काफी पसंद करते हैं इस जगह को। हमारे साथ सुनील जी भी हैं जो इसके पहले भी आए हैं लेकिन आज फुर्सत में है, अपने कैमरे में इसको शूट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही जगह है जिस जगह पे राजनीतिक हस्तियां, डॉक्टर, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार तमाम लोग यहां आते हैं, अपने फैमिली अपने परिवार के साथ आते हैं और इसका नज़ारा लेते हैं और इसकी चर्चाएं चारों तरफ करते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं खासतौर पे विधायक उमाशंकर जी को, जिन्होंने इस क्षेत्र को 5 साल पहले जो सजाया सवारा आज भी वो खूबसूरत दिख रहा है। आप सामने जो देख रहे हैं वो सारे लोग देखिए इस पानी में कितना खूबसूरत तरीके से आनंद उठा रहे हैं, किसी वाटर पार्क से कम नहीं है ये अपना खनवर का ये गांव, खनवर का ये इलाका, खनवर का ये माहौल। तो हम आपको कह रहे थे ना कि खाकी बाबा का आश्रम जो काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बेहतर है, आपको हमने बताया ये मुख्य द्वार है, ये खनवर गांव के तरफ का ये मुख्य द्वार जो मंदिर के अंदर जाता है, जहां खाकी बाबा का प्राचीन मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत यहां के विधायक ने बनाया है। आप देखेंगे तो वाकई बहुत खूबसूरत लगेगा। इस गांव को जो इस तरह से उन्होंने सजाया है, संवारा है, ये चर्चाएं उस वक्त खासतौर पर लखनऊ में पूर्वांचल के हर जनपदों में होती है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की चर्चाएं होती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने गांव को बनाया उस तरह से रसड़ा विधानसभा को भी उन्होंने सजाया है। तो ये वही गांव है जहां कभी सपना चौधरी फिल्म, आप जानते होंगे सपना चौधरी को, काफ़ी फेमस चेहरा है, काफ़ी फेमस नाम है। तमाम हस्तियां खासतौर पे उनके विधानसभा क्षेत्र में रवि किशन भी आए हुए वहाँ पर रसड़ा में, तमाम लोग इस बड़े बड़े छोटे छोटे कलाकारों का एक संगम रहा है, एक माहौल रहा है यहाँ का। तो अब तक हम बस इतना ही बनाना चाहते हैं कि आप खनवर गांव आते हैं तो खाकीराम बाबा का दर्शन जरूर करिए। मैं अब तक के माध्यम से बस इतना ही, आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, फिर हम आपसे और भी विकासों पर चर्चा करेंगे और सी जगहों पे आपको ले चलेंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही, आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें बलिया आजकल। नमस्कार।